Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you science. Oxford International School, GH Campus, International Lower Secondary Science 1. We have first room syllabus. In first room syllabus, we have 5 chapters. Chapter number 1, Introduction to Science. Still, we are starting on Introduction to Science. See the first chapter book page number, Introduction to Science. Already read and discussed what is science, science kya hai, branches of science, mean 5 branches of science, biology, physics, chemistry, astronomy and geology. Important attitudes in the study and practice of science. Jane Goodall, she was a scientist, British scientist, उनके बारे में भी हमने पढ़ा था. Invention of bulb, invention of telephone, skills and processes, observing, communicating, inferring, planning, investigations. Already studied about these topics. Is that clear? Yes. Now today we are going to study about safety rules in the laboratory. First of all, you should know what is the difference between library and laboratory. Library is the place where you can find lots of books. Library school का वो हिस्सा होता है, ऐसी जगह होती है जहां पर आप बहुत सारी books को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं. मतलब कि वहां पर आपको लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ बुक्स दिखती है. लाइब्रेरी इंचार्ज होती हैं, टीचर होती हैं, जो कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बुक्स प्रोवाइड करती हैं, चाहे आप बुक घर जाके पढ़ें या लाइब्रेरी में अपने प्री यूनिट में बैठ के पढ़ें. ठीक है, लाइब्रेरी ये होती है. अब लेबोरेटरी क्या होती है? आई थिंक यू आर इन 6th क्लास, इससे पहले आप लोग लेबोरेटरी में नहीं गए, बट अब जब स्कूल स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह ताला, तो हम अपने जितने प्रैक्टिकल हैं बुक से रिलेटेड वो करने के लिए हम लेबोरेटरी में जाएंगे. अब लेबोरेटरी क्या है वो मैं बता रही हूँ. ठीक है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स आर यूजुअली परफॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी. साइंस एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी में किए जाते हैं. साइंस में आपके पास केमिकल रिएक्शंस भी आते हैं, फिजिकल्स भी आते हैं. अब फिजिकल से रिलेटेड और केमिकल से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वो हम लेबोरेटरी में जाके करेंगे, स्कूल लेबोरेटरी में. ठीक है, although performing experiments may be fun, ये मजे का काम होता है, enjoy करते हैं. I always love to do experiments. मुझे हमेशा से, even then when I was a student or now I'm a teacher and a coordinator, मुझे हमेशा से experiments करने में मजा आता है, because I love science. Science मेरा subject है और science है ही experiments. ठीक है, it can be dangerous if you are not careful. फन का मतलब और एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज आपके लिए खतरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है. डेंजर है, बहुत डेंजर है अगर आपको प्रॉपर हैंडलिंग और यूजेज उन चीजों का नहीं पता. प्रैक्टिकल करने से पहले, लेबोरेटरी में जाने से पहले, हमें प्रिकॉशंस पे काम करना होगा. हमें प्रिकॉशंस का पता होना चाहिए कि प्रिकॉशंस कौन कौन सी हैं, क्या हैं, जो कि हमने फॉलो करनी है बिफोर गोइंग इन द लेबोरेटरी. ठीक है, क्योंकि हमने एक चीज को फन कह दिया, एंजॉयमेंट कह दिया, लव कह दिया, तो इट मींस ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ खतरा नहीं है, उसमें कुछ डेंजर नहीं. द सेकेंड नेम ऑफ द लेबोरेटरी इज डेंजर. आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे और क्यों. फॉर योर ओन सेफ्टी एज वेल एज द सेफ्टी ऑफ अदर्स इन द लेबोरेटरी, यू मस्ट फॉलो लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स. रूल्स होते हैं, आपकी इंटरनेट क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं जूम पर, इसके भी मैम ने रूल्स बनाए हैं और वी ऑल फॉलोइंग दैट रूल्स. जी, मैं आपको बता रही थी कि सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम इन चीज़ों को फॉलो कर नहीं करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम बहुत बड़े बड़े नुकसान भी उठा सकते हैं.
इसकी एग्जांपल मैंने आपको यूं दी कि जैसे अभी हमने इंटरनेट स्टार्ट किया है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो इसमें जूम पर आपकी मैम ने, हमारी मैम ने हमारे लिए रूल्स बनाए हैं और एवरीवन हम सब उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जस्ट टू अवॉइड प्रॉब्लम्स. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो आप कॉन्टेक्ट करते हैं, बताते हैं कि यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, सॉर्ट आउट, उसे सॉर्ट आउट कर दीजिए. ठीक है, इसी तरह से लेबोरेटरी जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऐसी जगह जहाँ पर हम न्यू चीज़ों को इजाद करते हैं, बनाते हैं, बाय आर ओन सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना सब वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है. मैं आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि इंशाल्लाह As early as possible, we will meet in the school. हम अपने practical work पे काम करना शुरू करें. ठीक है? General safety rules. Normally हमारे पास कुछ rules बने हुए हैं book में. पहले हम इन्हें discuss करेंगे. Then I tell you some more rules जो हम खुद बनाएंगे. Being a teacher, me, and being the students, you. आप लोगों को भी होमवर्क इसी टाइप का दूंगी जिसमें आप लोगों को कुछ रूल्स बनाने होंगे और कुछ रूल्स मैं बनाऊंगी. ठीक है, जनरल सेफ्टी रूल्स हमारे पास है. नंबर वन, डू नॉट एंटर द लेबोरेटरी विदाउट योर टीचर्स परमिशन. नेवर एवर गो इन द लेबोरेटरी विदाउट योर टीचर्स परमिशन. टीचर की परमिशन के बगैर, चाहे आपकी टीचर मैं हूं या कोई और साइंस टीचर, कभी भी टीचर की परमिशन के बगैर, टीचर को इन्फॉर्म किए बगैर आपने लेबोरेटरी में नहीं जाना. बिकॉज लेबोरेटरी इज वेरी डेंजरस प्लेस. वो कोई प्लेग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, प्ले एरिया नहीं है जहां आप फ्रीक्वेंटली जा सकते हैं. नो, डेंजरस प्लेस विदाउट योर टीचर परमिशन, नेवर गो देयर. कभी भी वहां नहीं जाना. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द प्रिकॉशनली सेफ्टी रूल्स. ठीक है, नंबर टू, ओपन ऑल डोर्स एंड विंडो अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड बाय योर टीचर. अच्छा, अब हम टीचर के साथ, टीचर की परमिशन के साथ, टीचर के साथ हम लेबोरेटरी में चले गए, आप मेरे साथ चले गए, तो सबसे पहला काम जो हमने करना है लेबोरेटरी में जाके वो क्या करना है. लेबोरेटरी अच्छा खासा बड़ा स्पेस, बड़ा सारा रूम होता है, ढेर सारी विंडोज भी वहां पर होती, 10-12-15 तो होती होगी. सबसे पहले हमने जाके सबने मिलके वहां पे सारी विंडोज खोली हैं, फैंस ऑन करने हैं, डोर्स खोली, 3 doors हैं, 4 doors हैं. सबसे पहला काम ये करना है. क्यों करना है? बिकॉज आपसे पहले जो क्लास वहां हो कर गई है, मे बी 2 days पहले या 2 हफ्ते पहले या 2 घंटे पहले, उस क्लास ने जहाँ वो जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो तजर्बात किए हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें या इन्वायरमेंट में उसका एयर में उसकी फ्रेग्रेंस रह जाती है. अब लेबोरेटरी को जैसे ही खोली ना, लेबोरेटरी ऐसा रूम होता है, वहाँ एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो आपको, मुझे तो कफिंग शुरू हो जाती है. जितना भी हो जाए उसके बावजूद कुछ ना कुछ केमिकल्स वहाँ रह जाते हैं, तो उन केमिकल्स से अवॉइड करने के लिए, उन केमिकल से बचने के लिए, इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम जाते साथ सारी विंडोज खोलेंगे वहां पे. अब जब हम लेबोरेटरी में जाएंगे तो हमें क्या करना है, सॉरी, पहले तो टीचर की परमिशन के बगैर जाना नहीं है, सेकंडली टीचर के साथ जब हम जा रहे हैं, आप तेरे साथ वहां जा रहे हैं, तो हमने जाके सारी विंडोज और डोर्स को खोल देना है, ओपन करना है. सॉरी, नंबर 3, Do not carry out any test or experiment without your teacher permission. Teacher की permission के बगैर कोई test, कोई experiment नहीं करना. Teacher ने आपको waiting पे रखा हुआ है, wait करा रही है 20 minutes, 5 minutes, 10 minutes due to some reasons. वो reasons क्या हैं? Maybe sometime teacher आपके साथ share कर लेती हैं और sometime नहीं करती. लेकिन अगर टीचर आपको ये कह रही है कि वेट करें, तो आपको वेट करना है. अगर टीचर ने ये नहीं भी कहा कि वेट करें, लेकिन टीचर ने काम नहीं स्टार्ट किया, सॉरी, तो आपको कोई टेस्ट, कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट वेट, आपको सिर्फ वेट करना है. नंबर 4,
रीड द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड देम बिफोर स्टार्टिंग योर एक्सपेरिमेंट. टीचर ने डेफिनेटली लेबोरेटरी में एक बोर्ड भी होता है, बोर्ड पे कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी या मे बी लेबोरेटरी में जाने से पहले आपको कॉपी में नोट डाउन करवाया हो इंस्ट्रक्शंस, कुछ प्रिकॉशंस, उन्हें गौर से पढ़ना है, नहीं समझ आ रही टीचर से पूछना है और फिर जो भी काम है उसे स्टार्ट करना है. मुझे अच्छी तरह से याद है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ 9th इन 10th क्लास, हमारे फिजिक्स के टीचर लेके जाते थे, वो हमें सेपरेट इंस्ट्रक्शंस दिखाते थे. फिजिक्स के इंस्ट्रक्शंस क्वाइट डिफरेंट देन बायो इंस्ट्रक्शंस, एंड बायो इंस्ट्रक्शंस केमिस्ट्री के इंस्ट्रक्शंस से डिफरेंट होते. लेकिन हर टीचर क्लास लेबोरेटरी में ले जाने से पहले हमें इंस्ट्रक्शंस दिखा देती थी और हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे. ठीक है, तो आपने भी क्या करना है, अब जब मिस नॉरिन आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाएंगी या लेबोरेटरी के बोर्ड पर जो इंस्ट्रक्शंस दिखेंगी वो आपको सबसे पहले रीड करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, नहीं समझ आ रहा एज फॉर मी मुझसे पूछना है, देन वी विल स्टार्ट द वर्क, देन वी विल स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, फिर हम एक्सपेरिमेंट अपने तजर्बे शुरू करें. ठीक है, If in doubt, always ask your teacher. अगर कोई doubt है, कोई परेशानी है, कुछ ही समझ नहीं आ रही, then ask your teacher. Handle all operators and chemicals carefully and correctly. Handle हर चीज को, हर operators को, chemicals को carefully and correctly handle करना है. For example, आप जब लेबोरेटरी में जाएंगे, मैं आपको लेके जाऊंगी, तो आपने देखा होगा बहुत सारी जार्स पड़े होते हैं, बॉटल्स पड़ी होती है, उनके पर नाम लिखा होता है, तो उनको हम आम इस ग्लास की तरह नहीं उठा सकते, इसकी प्रॉपर हैंडलिंग होती है, क्योंकि इसमें कौन सा केमिकल है वो कितना डेंजरस है आपको नहीं पता. समटाइम तो डेफिनेटली अगर मैं सर्च आउट नहीं कर पाऊंगी तो मुझे भी नहीं पता होगा. अब मेट्रिक क्लास वहाँ एक्सपेरिमेंट करके गई है, उसमें उसने यूरिन बनाया हुआ है, आयोडीन बनाया हुआ है, और मे बी वो इस पे नोट डाउन ना करके गए, ना लिखा, और हमें लगे कि ये आम सा एसिड है, ये पानी है, और हम उसे अपने हाथ पर लगा लेते हैं या हमारे कपड़ों पे लग जाता है या हमने सही से पकड़ा नहीं है, ठस से नीचे गिर गया है. वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है. इसलिए हैंडल ऑल ऑपरेटर्स, जो भी चीज आप हैंडल करने जा रहे हैं, पकड़ने जा रहे हैं, केमिकल को ले रहे हैं, हाथ में उठा रहे हैं, उसे बहुत केयरफुली और करेक्टली उठाना है. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास डेटॉल बॉटल बनी हुई है, सेफ. ये डेटॉल अगर आपके हाथ पे या नीचे गिर भी जाता है तो इट्स नॉट डेंजरस, ये आपके लिए डेंजरस नहीं है. लेकिन अगर इसमें एसिड है इट्स वेरी डेंजरस, एसिड को आप ऐसे नहीं कर सकते. हर चीज का एक प्रॉपर हैंडलिंग होती है जो कि हमें आनी बहुत जरूरी है. और डोंट वरी, हम जब जाएंगे स्कूल लेबोरेटरी में जाएंगे, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी कि किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से कैरी करना है, किस तरह से इसका यूज करना है और किस तरह से खुद को इन केमिकल्स से प्रोटेक्ट रखना है. ठीक है, यही तो हमारा लेसन है, जनरल प्रिकॉशंस है, रूल्स है जिन्हें हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह. Number 7, always check the label on the container before using the substance it contains. किसी भी चीज को, किसी भी केमिकल को यूज करने से पहले उसका जो कंटेनर है जिसमें वो पड़ा हुआ है उसे जरूर पढ़े कि उसके अंदर है क्या चीज. अभी अभी मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैं सिंपल सी एग्जाम्पल दे रही हूँ ना आपको, शुगर, इस कंटेनर में शुगर है लेकिन इस पे लिखा नहीं हुआ, अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है. जब तक इस पे चिट नहीं लगी होगी, लिखा नहीं होगा, इसको तो हमने टच करना ही नहीं है. अल्लाह ना करे, पता नहीं इसमें कौन सा जिन बैठा हुआ है, जिसे मैंने खोल दिया तो मैं तो बस गया ही गया, ये काम तो करना ही. जिस पे लिखा हुआ है उसे देखना है, उसे पढ़ना है, टीचर से पूछना है, देन हमने उसे, अगर हमारे यूज का है तो अपने यूज में लेकर आना है प्रॉपर हैंडलिंग के साथ. ठीक है, बहुत जरूरी है कि कंटेनर पे ये चीज लिखी हो, जार पर चीज लिखी हो कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, फिल की हुई है, भरी हुई है, इसमें ऑक्सीजन है,
इसमें अमीनो एसिड है, जो भी चीज है, जो भी केमिकल है, नहीं लिखा होगा, ठीक है, नहीं लिखा होगा, तो फिर तो टच करना ही। लेबल मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट, लेबल चेक करना। नंबर 8, टू अवॉइड कंटेनमेंशन, टू अवॉइड कंटेनमेंशन, डू नॉट पोर एनी अनयूज्ड केमिकल बैक इनटू इट्स कंटेनर। जी, कोई भी ऐसा केमिकल जिसे आप यूज कर रहे हो या यूज किया है, उसे दोबारा से उस कंटेनर में नहीं डालना, क्योंकि वो यूज हो गया है, उसका जितना काम था वो हो गया है, अब उसको डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब कि उसे दोबारा उस बॉटल में, उस जार में उस केमिकल को डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डू नॉट टेस्ट एनी केमिकल्स अनलेस अदरवाइज इंस्ट्रक्टेड बाय योर टीचर। कोई भी केमिकल टच करने की, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट नॉट इन दैट सेंस कि आपने उसको खाना है, हमने गैसेस बनाई हैं तो हम उसे टेस्ट करना शुरू कर दें या हम उसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दें, नहीं, टीचर की परमिशन के बगैर ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसा आपको आपकी टीचर इंस्ट्रक्ट करेंगी वैसा ही आपने करना। ये केमिकल्स बहुत डेंजरस होते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन एंड अगेन, लेबोरेटरी प्रिकॉशंस को, लेबोरेटरी रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशंस होते ही इसलिए हैं ताकि आप खुद को और दूसरों को सेफ रखें, नॉट फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर अदर्स ऑल्सो, दूसरों को भी सेफ रखना। डू नॉट ईट, ड्रिंक और प्ले इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी इज नॉट द प्लेस टू ईट, ड्रिंक और प्ले। मैंने आपको पहले भी अभी बताया है कि लेबोरेटरी वो जगह नहीं है जहां आप अपना लंच बॉक्स उठा के ले जाएंगे कि भूख बहुत लग रही है, 10:30 हो गई, एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है, तो मैं दो बाइट ले लूँ। नेवर नेवर डू इट, कभी भी ये गलती मत कीजिए। नेवर ड्रिंक इन द रूम, कभी भी लेबोरेटरी रूम में खड़े होंगे कि बैठ कर पानी नहीं पीना। इफ यू फील हंग्री, टेक अ परमिशन फ्रॉम योर टीचर एंड गो आउटसाइड, बाहर जाइए, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, देन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर पानी का एक ग्लास लीजिए और उसे पीजिए, ठीक है। 11, डू नॉट टैम्पर विद द इलेक्ट्रिकल मीन्स एंड अदर फिटिंग्स इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जो भी फिटिंग्स लगी हुई है इलेक्ट्रिसिटी की, उनको टच करने की जरूरत नहीं है। नो नीड, आपका कोई काम नहीं है। टीचर ने कह दिया ऑन ऑल द फैंस, हो गए, सब विंडोज खोल दी, खुल गई। उसके बाद आपको मेन इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली के तारों में और स्विचेस में जाने की जरूरत नहीं है। लेबोरेटरी इज अ डेंजर प्लेस, डेंजरस प्लेस है, ठीक है। वर्क टाइटली, सफाई से काम करें, साफ सुथरा काम करें, एक्सपेरिमेंट्स करें। Wash all used apparatus and dispose of the waste correctly. जितने भी आपने jars use किए हैं या apparatus use किए हैं जो कि wash कर कर रखने हैं, उन्हें properly wash करें। आप ही ने करना है, school की maid आके wash नहीं करेंगी। जब आपने experiment किया, this is your duty, this is your responsibility. Wash out all the containers, all the apparatus and put on the proper places. धोएं, dry करें और proper जगह पर रखें, जो जो उसकी जगह है। This is your duty, ये आपका काम है। अच्छा, अब बहुत सारी चीजें experiment के बाद dispose of करनी है। Dispose of करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमने एक chemical बनाया है, ये chemical बना हुआ है और हम इसे ऐसे फेंक दें। या तो इस chemical को खोल कर by the permission of teacher, जो sink लगा होगा उस sink में फेंकना है, डिस्पोज ऑफ करना है, या इस तरह से फेंकना है तो टीचर को बता के, टीचर की परमिशन से, टीचर आपको उसका प्रॉपर तरीका बताएंगे कि कैसे फेंका जाए। वैसे हम लोग जब भी प्रैक्टिकल्स करते थे, जो भी केमिकल्स हम बनाते थे, हम उसे डिस्पोज ऑफ करते थे प्रॉपर सिंक में, बेसिन वहां जो होगा सिंक में, उसमें डिस्पोज ऑफ कर, ठीक है। और कुछ अगर इस तरह की बॉटल्स होती हैं जिन्हें डिस्पोज ऑफ करना होता है, जार्स होते हैं, उन्हें शॉपर में
प्रॉपर तरीके से बंद करके फिर डस्टबिन में या मेड के हैंड ओवर किया जाता है, किसे डिस्पोजल करता है। ठीक है, नंबर 13, रिटर्न द ऑपरेटर्स टू द प्रॉपर स्टोरेज प्लेसेस आफ्टर क्लीनिंग। क्लीन करने के बाद, धोने के बाद जो भी आपके कंटेनर्स और जार्स हैं उन्हें उनकी प्रॉपर शेल्फ्स में जगह पर रखना है विद नेम टैग। डू नॉट रिमूव एनी ऑपरेटर्स और केमिकल्स फ्रॉम द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी से कोई भी केमिकल या ऑपरेटर्स बाहर ले जाने की कभी भी परमिशन नहीं है। नेवर एवर, नेवर एवर, कभी भी लेबोरेटरी से कोई भी ऑपरेटर्स या कोई भी केमिकल जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है ये सोचकर कि टीचर की आंख तो जरा यहाँ वहाँ हो गई, टीचर जरा यहाँ बिजी हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने किसी कंटेनर में या अपने किसी डब्बे में डाल लूँ और घर ले जाऊँ। कभी ये गलती मत कीजिएगा, नेवर, इट विल बी डेंजर। ये बहुत खतरनाक चीज़ है जो आपके और मेरे दोनों के लिए नुकसान दे। Wash your hands after all laboratory work. Wash your hands properly after the finishing of your work in laboratory. Laboratory में आपका जो भी experiment है, जो भी काम है, जो भी reading है, जो भी experiment आपने किया, वो जैसे ही हुआ है आपने laboratory में ही, उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। Wash your hands properly. Laboratory में sink भी होता है, एक sink वो होता है जिसे आप अपने experiments के लिए use करते हैं, एक sink वो होता है जहाँ पर आप अपने hand wash करते हैं। प्रॉपरली हैंड वॉश करने हैं, देन वहां से बाहर आ। बाहर आने के बाद भी हमेशा अपने साथ ये डेटॉल वाटर रखिए, इससे अपने हाथों को डेटॉल से साफ कीजिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये थे हमारे सेफ्टी रूल 15। हु इज इन द वेटिंग रूम? हामिद एंड safety rules when heating or mixing chemicals. वो थे सेफ्टी रूल्स लेबोरेटरी के, कि लेबोरेटरी में जाने से पहले और जाने के बाद किन इंस्ट्रक्शंस को, किन रूल्स को आपने फॉलो करना है। अब सेकेंड स्टेप आ गया है, सेफ्टी रूल्स वेन हीटिंग और मिक्सिंग केमिकल्स। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं, कि प्रैक्टिकल करते हुए हमने किन रूल्स को, किन चीज़ों को, किन बातों को फॉलो करना है। When heating or mixing, जब हम कुछ चीज बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं और उसे मिक्स कर रहे हैं, राइट? Wear goggles when mixing or heating chemicals. When wear goggles, आपने चश्मा पहनना है एक। अब चश्मा वो वाला नहीं पहनना है जो ब्लैक होगा, जिससे आपको हर चीज डार्क। इस पिक्चर को देखिए, इस बच्ची ने, गर्ल ने ग्लासेस पहने हुए, गॉगल्स पहने हुए, ये आपको पहने, ठीक है? इस तरह के आपको लेने हैं, परचेज करने हैं। बाहर जाना हो रहा है, अगर अभी अभी तो खैर लॉकडाउन की वजह से काफी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अगर चांस मिलता है और जाना होता है, बाय फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आप इसे परचेज कर लीजिए, रख लीजिए, क्योंकि अब मिस्टर आजी आपकी साइंस ले रही है तो वो आपको ये सब चीजें करवाएंगी और ये सब आपको करना है। वेटिंग रूम में देखिए कौन हमारा वेट कर रहा है। आमिर शरीफ, आपको मैंने एडमिट कर लिया, जॉइन अस। ठीक है, गॉगल्स को पहनना है जब आपने मिक्सिंग और हीटिंग करनी है। क्यों पहनना है टीचर? वो तो हम बाहर जब धूप में जा रहे होते हैं तो तब पहनते हैं, अभी क्यों पहनना है? इसलिए कि जब आप मिक्सिंग और हीटिंग का काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई शोला, कोई बर्निंग चीज जो है वो आपकी आंख में या आपके मुंह को खराब कर दे। एक दफा का मैं आपको वाकया बताती हूँ। मैं देखूँ वेटिंग रूम में कोई और बच्चा आया अभी। मुझे बड़ा एक टाइम में शौक चढ़ा कि मैं कुकिंग सीखने लगी और मैंने सबसे पहले जो चीज सीखी, मुझे अपनी बड़ी बहनों से पता चलता था कि दाल बहुत आसान है, दाल जो है वो खुद से पक जाती है। मैं दाल पकाना सीख लो, बड़ी आसान है। तो दाल का ये है कि आप उसे जब बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं,
मींस के चूल्हे पे चढ़ा देते हैं तो वो खुद बॉयल होने लग जाती है और कुछ देर के बाद यूं बंप कर रही हूँ। अब मुझे आइडिया नहीं था, मतलब कि मैंने प्रिकॉशंस नहीं ली थी, मेरी सिस्टर ने शायद मुझे इतना गाइड भी नहीं किया, तो उन्हें आइडिया होगा कि देख रही होती है तो आ जाएगा। अब मैंने किया क्या कि जैसे ये चूल्हा है और ये उसके ऊपर दिलचस्की पड़ी हुई है, यूं ये उसमें माँ यूं हिला रही और वो इस तरह से उसके जो छींटे थे स्प्लैश जिसे कहते हैं वो एक मेरी आँख में चला गया और वॉज वेरी पेनफुल फॉर मी। वो बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल था और उस वक्त फिर जब अम्मी को बताया तो डांट तो बहुत ज़्यादा पड़ी थी, उसके साथ फिर बहुत ज़्यादा सिर्फ आँख में पानी डाला, उसके अलावा कुछ भी बहुत देर तक, बहुत घंटों तक, लेकिन उसकी जो जलन और वो तकलीफ थी ना वो बहुत ज़्यादा देर थी, बहुत ही ज़्यादा देर तक। लेकिन थैंक गॉड कि मेरी आँख बच गई, अल्लाह ताला ने सेफ्टी कर दी। कहने का मतलब ये है चाहे किचन हो या चाहे लेबॉर्ट, रूल्स को फॉलो करना, प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी होता है। वेटिंग रूम में देखूं कुछ बच्चे और आ गए हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर? फर्स्ट रूल। सेकंड, पुट फ्लेमेबल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम अ नेकेड फ्लेम। जो जलते हुए मवाद होते हैं ऐसे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस उन्हें अवॉइड करना चाहिए, उन्हें दूर रखना चाहिए इस तरह के सब्सटेंसेस से जो कि वाकई बर्निंग का बायस बने। ठीक है, देखें ये सेकंड पिक्चर देखें जिस पे लिखा हुआ डेंजर, फ्लेमेबल कीप फ्लेम अ हीट अवे। हीट से जो चीज़ें जलने वाली होती हैं फ्लेमेबल सब्सटेंसेस उन्हें हीट से दूर रखा जाता है। इसकी एग्जाम्पल बड़ी सिंपल सी और अच्छी सी मैं आपको देती हूँ, जल्दी से समझ आ जाएगा। आपने देखा होगा कि सीएनजी स्टेशन पे जब आपके फादर सीएनजी भरवाने जाते हैं, इफ ही इज अ चेन स्मोकर और स्मोकर, अगर वो सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आपने नोटिस किया, डिड यू नोटिस एनी टाइम कि वो सीएनजी स्टेशन पे एंटर होने से पहले, चाहे वो बाइक पर हों या गाड़ी में हों, वो सीएनजी स्टेशन पे पहुंचने से पहले अगर वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, कोई भी हो, तो वो सीएनजी स्टेशन पे एंटर होने से पहले वो सिगरेट खत्म कर देते हैं या फेंक देते हैं। क्यों? कि सीएनजी स्टेशन वो जगह है जहां पे इतना फायर है, इतनी आग है कि सिर्फ एक एक मतलब कि इस तरह के केमिकल्स हैं कि एक इतनी सी भी अगर उसे आग मिल जाती है, हीट मिलती है, तो पूरा का पूरा सीएनजी स्टेशन जो है ना वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाता है, बहुत बड़ा सारा बम और आग और सब कुछ ही हो जाए। ठीक है, पिक्चर सेकंड देखिए, इसी चीज को शो कर रही है। फ्लेमेबल कीप फ्लेम एंड हीट अवे। जो भी इस तरह की चीजें हैं जो कि जल जाती हैं, जो जलने का बायस बनती हैं, उन्हें हीट से दूर रखना। नंबर थ्री, व्हेन यू आर हीटिंग केमिकल्स इन द टेस्ट ट्यूब, अगर आप कोई भी केमिकल को टेस्ट ट्यूब में चेक कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, पॉइंट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योरसेल्फ और योर फ्रेंड। अब थर्ड पिक्चर देखिए, उसमें एक बच्चा जो है वो टेस्ट ट्यूब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और बर्निंग हो रही है, आग निकल रही है, गॉगल्स पहने हुए उसने, उसकी आईज सेफ है। अब सिर्फ आपने खुद को सेफ नहीं रखना, अपने फ्रेंड को भी सेफ रखना है, अपने मुंह के पास ऐसी कोई चीज नहीं लानी, ये अगर ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, तो ये यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ये आपसे इतना दूर होना चाहिए, बहुत दूर होना चाहिए, ताकि ना आपको कोई नुकसान हो ना आपके फ्रेंड को जो आपके साथ खड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, पॉइंट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योरसेल्फ, अपने फेस से, अपने मुंह से भी दूर रखना है, एंड ऑल्सो अवे फ्रॉम योर फ्रेंड फेस, अपने फ्रेंड के फेस। ठीक है, ये तीनों पिक्चर्स मैंने साथ इसलिए लगाई हैं कि इन्हें देख के आपको अंदाजा हो कि गॉगल्स पहनने जरूरी हैं, जो भी आग लगाने वाली चीजें हैं, फ्लेमेबल हैं, उन्हें हीट से दूर रखना है, और एक्सपेरिमेंट करते हुए टेस्ट ट्यूब को, जो भी बर्निंग एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं, अपने और अपने दोस्त के फेस से दूर रखना। ठीक है, क्लियर हो रही है ना चीजें? वेरी गुड।
व्हेन एक्सीडेंट्स अकर, अगर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या करना है ये पढ़ें। रिपोर्ट ऑल एक्सीडेंट्स इंजरीज ब्रेकेज एंड स्पिलेज टू योर टीचर, नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर टीचर, टीचर इज लाइक अ मदर, शी और ही ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। टीचर कभी भी आपका एनिमी नहीं है, आपका दुश्मन नहीं है, टीचर इज फ्रेंड, टीचर इज मदर, टीचर इज फादर। रिपीट नंबर टू वंस अगेन, शुड अ केमिकल गेट इनटू योर माउथ, स्पिट इट आउट इनटू अ बेसिन एंड राइंस योर माउथ विद प्लेंटी ऑफ वाटर। अल्लाह ना करे अगर आपके मुंह में, माउथ में कोई केमिकल चला जाता है तो उसे स्पिट आउट करें। स्पिट मीन्स होता है बाहर थूकना, फौरन उसे बाहर निकालें और बहुत सारा पानी मुंह में बार बार डालें। इस तरह से वो आप केमिकल आपकी जान छोड़ सकता है, मीन्स आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो आपको यही करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी अपनी आई का बताया था, मेरी आई में वो एक स्पॉट चला गया था, एक छींटा चला गया था, तो सिर्फ पानी डालने के अलावा कुछ भी नहीं सहल था। समटाइम आपने फील किया होगा कि अगर हम कोई कड़वी चीज खा लेते हैं, खीरा जैसे खा रहे होते हैं लंच में, तो अगर वही थोड़ा सा कड़वा बिटर निकल आता है तो फौरन हम जाके थूकते हैं, स्पिट करते हैं और ढेर सारा पानी बार बार खुलियाँ करते हैं। इसकी वजह यही होती है कि जो टेस्ट है वो बेहतर है, ठीक है। Similarly, if any chemical comes into contact with others parties of your body or clothing, wash it off thoroughly with plenty of water and report the incident to your teacher. अगर कुछ भी इस किस्म का incident हो जाता है कि आपकी body पर, आपके कपड़ों पर, आपके हाथों पर, आपके मुंह पर, अल्लाह ना करे किसी भी जगह पर कोई भी chemical गिर जाता है, तो आपको वो बहुत ढेर सारे पानी से धोना है, हाथों को साफ करना है, अगर कोई एसिड गिर गया है अल्लाह ना करे कैसा हो, और फौरन रिपोर्ट करना अपने टीचर को। वैसे तो टीचर वहाँ होती है लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, अगर 10 या 20 बच्चे भी क्लास में होते हैं तो लेबोरेटरी में जब जाते हैं एक्सपेरिमेंट करते हुए इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उसे अवॉइड करने का, उसका रेशो कम करने का तरीका ही यही होता है कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं उन्हें फॉलो करना है। अब ये हम पढ़ रहे थे थर्ड चीज, व्हेन एक्सीडेंट्स अकर, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें क्या करना है। पहली चीज, रिपोर्ट टू द टीचर। अगर कहीं हमारे कोई केमिकल हमारे हाथ पे, हमारे कपड़ों पे, हमारे मुंह पे, आंख पे, अल्लाह ना करे किसी भी जगह पे आ गया है, तो हमें उसे वहां से हटाने के लिए ढेर सारा प्लेंटी ऑफ वाटर यूज करना है, मुंह पे डालना है, आंखों में डालना है, हाथों पे डालना है, कि वो चीज हमें नुकसान ना हो। टीचर को सबसे पहले रिपोर्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लुक एट द पिक्चर, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डेंजरस। इस पिक्चर को देखिए और आपको अंदाजा होगा इसे देखकर, कि मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी, आपने मुझे बताना है इस पिक्चर को कि इसमें क्या चीजें डेंजरस है। अभी हमने मना किया था ना जिन चीजों से, बच्चे इस पिक्चर में बहुत सारे वो काम कर रहे हैं। अब मैं आपको होमवर्क यही दूंगी कि ये पिक्चर होगी, आप आइडेंटिफाई करेंगे इससे क्या गलत है, एंड यू विल राइट योर ओन वर्ड्स। ओके, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है जो चीजें मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं, जो रूल्स बताए गए हैं उनके बिल्कुल अपोजिट इतना मिसहैप हो रहा है इस पिक्चर में। इट्स लेबोरेटरी, ये भी एक लेबोरेटरी है। अगर इस तरह की लेबोरेटरीज होती हैं और इस तरह से बच्चे करेंगे तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वेटिंग रूम में देखते हैं हम कौन है हमारे साथ। जी, नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ सैंपल्स हैं, टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स हैं। हैजर्ड्स कहते हैं खतरनाक सब्सटेंसेस को, वो सब्सटेंसेस जो कि जानलेवा हो सकते हैं, जिनसे
जिनके होने से अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो ये बहुत डेंजरस होते हैं, जिन्हें हम बहुत जल्दी से कवर नहीं करते, ठीक है। इसलिए उसकी प्रॉपर हैंडलिंग भी बताई, पहले है सैंपल, फिर उसका हैजर्ड सब्सटेंस, खतरनाक उसमें वो सब्सटेंस कौन से हैं, और फिर उसकी प्रॉपर हैंडलिंग कैसे करनी है, ये चीजें मैं आपको बताऊँ। बहुत ध्यान से सुनिए, ईजिएस्ट वे में बताऊंगी ताकि आप लोगों को याद भी रहे। ये सैंपल आपने देखा है, एक फ्लेम, आग तरह की जल रही होती है, मूवीज में भी अक्सर आपने देखा है कि एक चीज होती है, फ्लेम होता है, जो कि बहुत सारी जगहों पर बैकग्राउंड पे भी बना होता है। तो ये बहुत इजी सैंपल है जो कि देख के आपको समझ आता है कि ये आग जल, आग का सैंपल, ठीक है। टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स, सब्सटेंसेस, खतरनाक सब्सटेंसेस कौन से हैं, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, फ्लेमेबल कहते हैं जो कि जलते हैं, जलने वाले सब्सटेंसेस। उसमें हमारे पास एग्जांपल किसकी है, पेट्रोल एंड अल्कोहल। पेट्रोल और अल्कोहल को तो ऐसे आग लगती है कि बस विद इन सेकेंड, क्यों जैसे सेकेंड्स में अगर ऊपर से अल्लाह ना करे टैंकी टूट जाए तो एक सेकेंड लगता है और वो पानी यूं सारे जहां में जितना फैल सकता फैलता। इसी तरह से पेट्रोल और अल्कोहल को यूं सेकेंड्स में आग लग जाती है। इसलिए हैजर्ड सब्सटेंसेस को, खतरनाक सब्सटेंसेस को आग से दूर रखना है। इस सैंपल का मतलब, अगर ये आपकी लेबोरेटरी में या कहीं रोड्स पे जाते हुए आप इस किस्म का सैंपल देखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप, ये जलने वाली जगह है, यहाँ जलने का खतरा है, यहाँ फ्लेमेबल सब्सटेंसेस नहीं लाने हैं, पेट्रोल अल्कोहल को बहुत ध्यान देना है, ठीक है। प्रॉपर हैंडलिंग कैसे होगी यहाँ पर, जहाँ पर प्रॉपर अल्कोहल और पेट्रोल, पुट फ्लेमेबल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम फायर और हीट। पेट्रोल और अल्कोहल को जो चीजें फ्लेमेबल हैं, जलने वाली हैं, शोले से आग लगाने वाली हैं, उन्हें हमने हीट और फायर से दूर रखना है, ठीक है, आग से दूर रखना है। इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको क्या दी थी, सीएनजी स्टेशन वाली। सीएनजी स्टेशन पे जाने से पहले जो भी स्मोकर्स होते हैं वो अपना स्मोकिंग बिफोर एंटर इन द सीएनजी स्टेशन वो उसे फिनिश कर रहे हैं। अगर वो फिनिश नहीं करेंगे तो उनकी वहां पे एंट्रेंस ही नहीं। ये एक सीएनजी स्टेशन का रूल है जिसे एवरीवन फॉलो करता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इज दैट क्लियर? सी द नेक्स्ट स्लाइड। ये सैंपल है, इट्स आल्सो अ वेरी डेंजरस सैंपल, ये भी एक बहुत ही खतरनाक किस्म का निशान है। हैजर्ड्स, दोबारा रिपीट करती हूँ, हैजर्ड्स सब्सटेंसेस कहते हैं खतरनाक सब्सटेंसेस को जिनसे हमें खुद को बहुत केयरफुल रखना है। एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड एयर। ये मिक्सचर है किस चीज का? एक्सप्लोसिव कहते हैं धमाका खेज, काइंड ऑफ फ्लेमेबल, एकदम से ठक से धमाका हो जाएगा। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ किस चीज का है? हाइड्रोजन एंड एयर, हाइड्रोजन बर्निंग, आग लगाने, हैव टू बर्न। अरीब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, नजर आ रही एडमिट कर रहे हैं। अरीब अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा बेटा। इसकी प्रॉपर हैंडलिंग कैसे होती है? Explosive substances usually exploit when heated or lit. ये exploit ही तब होते हैं जब इन्हें heat या आग मिलती है। Use them according to the instructions. इन्हें हमेशा use करना है according to the instructions. जो भी instructions आपकी teacher आपको देंगी, आपको वही करना है, इसे use करना, ठीक है। सेकेंड थर्ड स्लाइड पे आ जाइए।
ये एक सैम्पल आप देख रहे होंगे, इसमें एक हाथ है, ऊपर से कुछ पानी टाइप चीज गिर रही है, नीचे कुछ और चीज है, वहां पर भी दूसरे जार से दूसरे बर्नर से कुछ गिराया जा रहा है। ये है क्रॉसेप सब्सटेंसेस। क्रॉसेप कहते हैं ये भी, इट्स अ काइंड ऑफ जलीय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलाइन। ये भी एक एसिड है, एसिड है तो आग है, केमिकल्स हैं तो मींस बर्निंग है, ये सब के सब है ही फ्लेमिंग, आग बर्निंग। इसको किस तरह से हैंडल करना है और प्रोसेस में कौन सी चीजें, कौन से एसिड आएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। अभी इन्हें याद सिर्फ इतना करें कि आपको ये पता हो हैजर्ड्स सब्सटेंसेस कौन से हैं और उन्हें किस तरह से हैंडलिंग करना है, इसमें याद करने की कोई चीज नहीं है। उसकी वजह यह कि जब हम प्रैक्टिकल इन चीजों को करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें आ जाएगा। ठीक है, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द क्रॉसेप सब्सटेंसेस विच कैन कॉज बर्न्स। डायरेक्ट किसी भी ऐसे सब्सटेंस को आपने टच नहीं करना जो कि बर्निंग का बायस हो, जो कि जल जाए, जिसकी वजह से नुकसान हो जाए। वॉश आउट एनी स्प्लिट एसिड और अल्कली ऑन योर स्किन और क्लोथ्स विद प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर कहीं आपके हाथों पर या कपड़ों पर ये एसिड लग गया है तो आपको इसे बहुत ढेर सारा पानी डाल के उसको निकालना है, साफ कर। इसके लिए मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। आप लोग स्कूल में या अपने घर में चार्ट पेपर्स पे काम कर रहे होते हैं, आप UHU यूज करते हैं। UHU हमारे हाथों को चिपक जाती है, हाथ फिर यूं खराब हो रहे होते हैं, यूं हम उसे उतार रहे होते हैं। उससे बेहतर ये होता है ये वाटर डिटॉल। मेरा ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया कि आप जब इसको अच्छे तरीके से हाथ में डाल के डिटॉल वाटर मिक्स करके उसे साफ करेंगे तो बहुत जल्दी से साफ होगा। तो वो भी एक केमिकल है ना UHU, वो आपके हाथों पर लगा तो उतारने में देर हुई, लेकिन जब आपने उसे डिटॉल से किया तो वो साफ हो गया। ये एक आम से छोटी सी एग्जाम्पल थी। इन केमिकल्स जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो तो बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। आपकी स्किन ड्राई कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हाथ जल जाता है, बकायदा बहुत तकलीफेबल चीजें होती है, पेनफुल होता है। उनको अवॉइड करने के लिए अगर ऐसा हो जाता है कपड़ों पे, आपके कोट पर या आपके बैग पर, आपके हाथ पर, कहीं भी वो एसिड आ गया है, गिर गया है, तो आपको बहुत सारा पानी से वॉश कर। ये एक और सैम्पल देख लीजिए, ये मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा, इसको देख के वैसे ही डर लग जाता है, इट्स आल्सो वेरी डेंजरस। ये है हैजर्ड्स सब्सटेंस, एक और खतरनाक सैम्पल है पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंस। पॉइजनस जो जहरीला मादा, जहरीला होता है उसके लिए, इसमें मरकरी इज वन ऑफ द, जहां इस किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं टॉक्सी और पॉइजनस, वहां पे ये साइन होता है। लेबोरेटरीज में एक पोर्शन ऐसा होता है जहां पर सारे टॉक्सिस और पॉइजनस पड़े होते हैं, वहां पे ये साइन जरूर है। इस साइन का मतलब ये है कि आपने ये साइन देखना है तो आपको पता होना चाहिए वो पॉइजनस पड़ा है। नहीं, वो एरिया नहीं जाना, टीचर ने मना किया है, उस एरिया में जाना नहीं है। सैंपल देख, सैंपल देख के हमें पता होना चाहिए कि डोंट गो देयर। ठीक है, प्रॉपर हैंडलिंग इसकी कैसी है? डू नॉट ईट, ड्रिंक और टेस्ट दीज पॉइजनस सब्सटेंसेस, डोंट ट्राई टू टेस्ट और टच। टच ऐसे तो किया जा सकता है, ऐसे नहीं टच करना है, बिल्कुल भी नहीं, नेवर, बहुत डेंजरस है, जहर है, बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं बनता। Use them according to the instructions. लेकिन ये लेबोरेटरीज में रखा हुआ है, लेबोरेटरी में होता है, हम ही बनाते हैं ये पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो टीचर जितना इसका यूज कहेंगी, दिखाएंगी, उतना ही आपने करना होगा। ये साइन देखा है क्रॉस का, इसका मतलब होता है इरिटेटिंग। ये भी इट्स अ काइंड ऑफ लेबोरेटरी, ये भी लेबोरेटरी के, इसमें होता है क्लोरोफॉर्म अल्कोहल। इसमें क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल जहाँ कहीं पड़े हुए हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हम लेबोरेटरी के बहुत सारे कामों में यूज कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये साइन होता है। ये साइंस आपको लेबोरेटरी में मिलेंगे,
और इन केस अगर हमारी लेबोरेटरी में ये साइंस नहीं है तो अब आपको मिस नॉरिन ने पढ़ा दिया है, अब ये साइंस हमने बनाने हैं और जहाँ जहाँ ये मटीरियल्स होंगे, ये सब्सटेंसेस होंगे, हैजर्ड्स होंगे, सब्सटेंसेस होंगे, हम वहाँ पर इन्हें डिस्प्ले करेंगे, हम इन्हें वहाँ पर मैनेज करेंगे कि ये हमने नहीं जाना है। क्या फायदा कि हम लोगों ने इतना पढ़ लिया और पढ़ने के बाद हम उसे अपनी लेबोरेटरी को मेंटेन नहीं करेंगे, इंशाल्लाह देखिएगा हम अभी जैसे स्कूल ज्वाइन करेंगे हमने जो जो पढ़ा है हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर हैंडलिंग क्या है? अवॉइड इनहेलिंग द वेपर ऑफ इरिटेटिंग सब्सटेंसेस यूज्ड इन फ्यूम चैम्बर। इसको उसके चैम्बर में प्रॉपर तरीके से जहाँ कहीं क्लोरोफॉर्म रखा होगा, अल्कोहल रखा होगा, क्या यूज करना होगा टीचर आपको बताएंगी, वैसे ही करना होगा, इसे इनहेल नहीं करना है, इसे पीना नहीं है, इसे सूंघना नहीं है कि पता चले आप वहीं पे करके गिर जाए। ठीक है, सॉरी उनका तो ये सैंपल देखा है, फैन टाइप की चीज है ये, क्या ये मैं बताती हूँ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव इसमें कार्बन, यूरेनियम, प्लैटिनम, ये गैसेस होंगी यहाँ पर, जहाँ पर गैसेस बना के कैंपस में रखी होंगी वहाँ ये सब। इसकी प्रॉपर हैंडलिंग क्या है? एथर स्ट्रिक्टली इज स्ट्रिक्टली टू ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हेन हैंडलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इसको प्रॉपर स्ट्रिक्टली सेफ्टी के साथ जो आपकी टीचर ने प्रिकॉशंस बताई हैं उस तरह से इसको हैंडल करना है, यूज करना अगर आपकी इच्छा है तो, क्योंकि ये गैसेस बन रहे हैं, इसमें कार्बन है, यूरेनियम है एंड प्लैटिनम। ये एग्जाम्पल देखिए, लास्ट वन इसका क्या है, बायोहैजर्ड सब्सटेंसेस में क्या है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड्स हैं और ब्लड के प्रोडक्ट्स हैं, इंफेक्शियस बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं। इसकी प्रॉपर हैंडलिंग क्या है, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट इन्हें टच नहीं करना है, डिस्पोज ऑफ बायोहैजर्ड्स वेस्ट इन कंटेनर्स फॉर बायोहैजर्ड्स एंड पुट देम अवे फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट। इसमें जितना हमारा मटेरियल हमने यूज करना है, टीचर जो आपको एक्सपेरिमेंट करवाएंगी वो करने के बाद जो वेस्ट करना है उसको आम डस्टबिन में वेस्ट नहीं करेंगे, उसे प्रॉपर तरीके से शॉपिंग बैग्स में डिस्पोज ऑफ करके और ऐसी जगह पर टीचर डिस्पोज ऑफ करवाएंगी, फेंकवाएंगी नेट से, आपके गार्ड से, जो कि किसी जानदार के लिए नुकसानदेह ना, क्योंकि वो ऐसे इन्फेक्शन इससे बैक्टीरिया और वायरसेस फैल जाएंगे जो कि सबको बहुत नुकसान है। आजकल एक वायरस ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, इसकी वजह से हम घर बैठे इस तरह से, तो हमें इन चीज़ों की बहुत केयर करनी है। यही फर्क होता है अच्छे स्कूल्स में, अच्छे बच्चों में, अच्छे एजुकेशन में, कि आपको जब कोई प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, जब कोई रूल्स बताए जाते हैं तो उन्हें फॉलो करना। मैंने आज आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। सबसे पहले जनरल सेफ्टी रूल्स ऑफ द लेबोरेटरी थे, फिर था सेफ्टी रूल्स व्हेन हीटिंग और मिक्सिंग केमिकल्स, देन व्हेन एक्सीडेंट्स अकर, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्या करना है, फिर उसके बाद मैंने आपको सैम्पल्स हैजर्ड सब्सटेंसेस के बारे में बताया और बताया कि उनकी प्रॉपर हैंडलिंग क्या है। अब आप सब के साथ मेरे साथ जरा ऑनलाइन कैमरा पे आ जाइए ताकि मैं आपसे बात करूँ, आपसे पूछूँ। कम ऑन, लेट्स एंड, आ जाइए, चलिए जी अपने स्पीकर्स भी ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, यस, सब अपने माइक्स ऑन कर लीजिए, हाँ जी कैमरा पे मेरे पास आइए। बोले ताकि आप लोग आइए, स्पीक आउट। यस मिस। अच्छा, यहाँ से
चेंज करती हूँ जरा, सब आ जाते हैं। जी हरी, क्या समझ आया जरा मुझे बताइए। जी खतीजा, सिहान, अब्दुल भाई, उबैर, अरीब और बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? आई थिंक 11 स्टूडेंट्स आर विद मी, 11 है मेरे साथ। आप लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए, सामने आइए, बताइए क्या पढ़ा है आज? मिस साइंस के बारे में, बारे में पढ़ा है साइंस, क्या पढ़ा है साइंस में आज, क्या टॉपिक्स थे? सेफ्टी रूल्स साइंस। सेफ्टी रूल्स फॉर, किसके लिए सेफ्टी रूल्स बताए हमने? सेफ्टी रूल्स कहाँ के बताए हैं सिहान, कहाँ के लिए बताए हैं कि इन रूल्स को फॉलो करना है बेटा? अरीब आप लेबोरेटरी के लिए, लेबोरेटरी के लिए, वेरी गुड, ठीक है, लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स। कोई एक रूल बता दीजिए अभी जो हमने पढ़े हैं 15-16 रूल्स। हमें टीचर की अब्दुल भाई आप बताइए, अभी हमने 15-16 रूल्स पढ़े हैं, कोई भी एक बता दीजिए आपके माइंड में तो होगा ना, अभी अभी तो पढ़ा है। मिस हम जैसे लेबोरेटरी में जाते हैं तो सब विंडोज पहले खोल लें, क्योंकि जो क्लास पहले 2 हफ्ते 2 घंटे 2 दिन पहले गई है उनका सारा केमिकल बाहर चले जाए। जबरदस्त, अब कौन बताएगा? एक रूल और बताइए, अरीब आता आप बताइए, अरीब इरफान कोई एक रूल बताइए, अब ये वाला मत बताइएगा प्लीज। उमेर आप बता दीजिए तब तक। उमेर लेबोरेटरी में ना हमें टीचर के बगैर परमिशन नहीं एंटर होना चाहिए जी, और लेबोरेटरी में खाना भी नहीं चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए और खेलना भी नहीं चाहिए। वेरी गुड, 4 रूल्स हो गए मेरे पास। भतीजा आप बताइए और क्या करना चाहिए लेबोरेटरी में जाने से पहले, क्या रूल्स हैं? सिहान आप भी सोच लीजिए, आपसे भी पूछूंगी। भतीजा हरी बताइए रूल्स, हरी आप, हरी आप बताइए। आँख में कुछ चलाया जाता है तो पानी डालना चाहिए आँख में। अच्छा ठीक है, अब अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है लेबोरेटरी में तो फिर क्या करना चाहिए? सिहान यस, टीचर हमें टीचर को बताना चाहिए। वेरी गुड, कोई भी एक्सीडेंट अगर हो जाता है, इंसिडेंट होता है लेबोरेटरी में तो इन्फॉर्म ऑन इमिडिएटली बेसिस टू योर टीचर, टीचर को फौरन से फौरन बताना चाहिए। वेरी गुड, अच्छा और मुझे बताइए सैंपल्स के बारे में बताइए, अभी ये भी पढ़ा है ना, जो सैंपल्स हैं उनके हैजर्ड सब्सटेंसेस जो हैं वो कुछ माइंड में है? अभी एक फ्लेमेबल था ना सबसे पहले वाला जलता हुआ छोला बर्निंग, फ्लेमेबल सब्सटेंस है जो यानी आग की तरह होता है, पैटर्न की तरह। अच्छा जी, वेरी गुड, जितना आपने बताया है सबने ये ओवरऑल बहुत है, मींस आपको सारी चीजें सब्सटेंसेस जो है डेफिनेटली वो शो किए बगैर आपके लिए भी मुश्किल होगा बताना, तो आई विल गिव इन द होमवर्क कि क्या करना है, ठीक है? अब आपका कोई क्वेश्चन है
ये तो मेरा था ना, मेरा पोर्शन था कि मैंने पढ़ाने के बाद आपसे पूछ लिया, फीडबैक ले लिया. नाउ इट्स योर टर्न. यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी? मुझसे कुछ पूछना है? आई एम गिविंग यू फ्री हैंड. फ्री हैंड, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. पूछ लीजिए बेटा. सर मुझे समझ नहीं आया. सॉरी, क्या नहीं आ रहा? मुझे एंड का समझ नहीं आया. एंड का समझ नहीं आया? यस मिस. एंड में जो सिंबल है ना वो. बेटा देखिए, मैं अभी आपको होमवर्क में भी दूंगी. सिंबल हैं, इस सिंबल के साथ उनके हैजर्ड सब्सटेंसेस हैं कि वहां पे कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो खतरनाक होते हैं, जिनकी प्रॉपर हैंडलिंग हमें आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस में हमारे पास यहाँ पे था पेट्रोल एंड अल्कोहल. इस बॉटल में पेट्रोल है, इस बॉटल में अल्कोहल है, ठीक है? ये समझ लीजिए, ये दो चीजें. और यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है फ्लेमेबल. हमें पता चलना हो है कि ये सब्सटेंसेस जो हैं, हैजर्ड सब्सटेंसेस हैं, खतरनाक सब्सटेंसेस हैं. यहाँ पे ये सैंपल दिया हुआ है. अब इसकी प्रॉपर हैंडलिंग कैसी है? इसकी प्रॉपर हैंडलिंग का, इसकी प्रॉपर प्रिकॉशंस यही है कि हमने इन दोनों चीजों के पास आग नहीं रखनी, कोई बर्निंग चीज नहीं लेके जानी, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि जो अल्कोहल को या पेट्रोल को एक सेकंड में एक बड़ा सारा धमाका कर दे. अब समझ आया है? तो सैंपल्स हैं, सैंपल्स के सामने उनके हैजर्ड सब्सटेंसेस हैं और उनकी प्रिकॉशंस कैसे हैं, उनकी प्रॉपर हैंडलिंग कैसे है, ये है लास्ट का जो थर्ड चीज जो मैंने आपको समझाई है. अब क्लियर है? अब मैं आपके साथ होमवर्क में शेयर करूंगी ना, जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. फिर भी समझ नहीं आता, यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम. नॉट एनी टाइम. योर टाइम फॉर क्वेश्चनिंग का टाइम आपका जो है वो 8 to 10 o'clock है. रात 8 to 10 p.m. तक आप टीचर नॉरीन को, मिस नॉरीन को टेक्स्ट करके, मैसेज करके, कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं. आई विल गिव यू द आंसर 8 to 10 o'clock. इसके बाद मैं किसी बच्चे को एंटरटेन नहीं करूँ, क्योंकि फिर अगर आप लोगों को परमिशन दे दो तो आप लोग लेट नाइट भी जो है ना वो मैसेज करते रहे, ठीक है? दिस इज द रूल. ये टीचर नॉरीन के साइंस के रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. आई एम गिविंग यू द इंस्ट्रक्शंस टू कॉल मी, टू कॉन्टेक्ट विद मी एट नाइट 8 to 10 o'clock. दिस इज योर टाइम. ये मेरे 2 घंटे जो है वो आपके. क्लियर? यस. Any confusion? कोई confusion? Yes. कोई confusion? No. Okay, then bye. No miss. Say bye. Love it. Bye. Bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.